हेलो सुपर फ्रेंड्स, कहां 2020 में हमें इतनी सारी सुपर हीरो मूवीज मिलने वाली थी। अब तो एक भी रिलीज हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। मार्वल स्टूडियोज के भी बहुत सारे प्लान्स थे, लेकिन सबका 2020 हो गया। वैसे मार्वल वाले कुछ ना कुछ टीजर ट्रेलर देके फैंस को एंटरटेन करते रहते थे, वो भी काफी टाइम से हुआ नहीं। लेकिन अब शायद मार्वल इटर्नल्स के टीजर ट्रेलर की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी हिंट मैंने ट्विटर पे भी दी थी, क्योंकि इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। अभी इटर्नल्स मूवी से रिलेटेड एक इमेज एक्टर डॉन ली ने शेयर की है, और साथ में एक और इमेज ट्विटर पर काफी शेयर हो रही है। इसके अलावा इटर्नल्स के ट्रेलर रिलीज के बारे में भी अपडेट आई है, जिसको देखकर लग रहा है कि इटर्नल्स से रिलेटेड जल्दी ही कोई टीजर या ट्रेलर देखने को मिल सके। और भी डिटेल्स जो इटर्नल्स मूवी के ट्रेलर रिलीज डेट से रिलेटेड लीक हुई है, और इस इमेज के पीछे की रियल स्टोरी क्या है, आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक कमाल की वेबसाइट gamesop.com के बारे में बताता हूँ। gamesop.com आजकल काफी फेमस है, काफी चर्चे हो रहे हैं इसके, जिसका रीजन ये लोगों को आसान से गेम्स खेलने के लिए पैसे दे रहे हैं। बिल्कुल, गेम्स भी खेलने को मिलते हैं और साथ में पैसे भी मिल रहे हैं। मिल क्या रहे हैं, पैसे पानी की तरह बहा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, gamesop.com यूज करने के लिए आपको कोई भी ऐप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। बस मोबाइल में क्रोम पर www.gamesop.com खोलना है, जिसमें काफी सारे फ्री गेम्स खेलकर आसानी से कभी 150 रुपए, कभी स्मार्टफोन्स तो कभी लैपटॉप भी जीत सकते हो। जो पैसे जीतो उनको सीधे पेटीएम पर निकालो या फिर मोबाइल रिचार्ज करा लो, और अगर यहाँ अपने दोस्तों को रेफर करते हो तो उसका भी पैसा मिलेगा। अब समझ में नहीं आता ये लोग इतने पैसे दे कहाँ से रहे हैं, रोज की कमाई है तो नाम याद कर लो gamesop.com। अब आते हैं आज के वीडियो पर। अगर इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि रिसेंटली एक्टर डॉन ली ने एटर्नल से रिलेटेड एक पोस्टर पिक पोस्ट की है। ये प्रमोशन का तरीका सेम वैसा ही है जैसा टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के टाइटल रिलीज के लिए किया था। अब इस पिक में हमें इटर्नल्स के 10 मेंबर्स की टीम दिख रही है। काफी सारी टीम अप्स ऑलरेडी हम एमसीयू में देख चुके हैं, लेकिन ये शायद काफी बड़ी टीम होने वाली है। मार्वल कॉमिक्स में इटर्नल्स एंशिएंट एलियंस हैं, जिन्हें सेलेस्टियल्स ने क्रिएट किया था। ये अर्थ पर हजारों सालों से सीक्रेटली रह रहे हैं। अब सेलेस्टियल्स एमसीयू में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जिनको हम गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में देख भी चुके हैं। और मजे की बात, उस मूवी में जो सेलेस्टियल इसॉन द सर्चर दिखा था, उसका फेस हम इस पोस्टर में भी हीरोज के पीछे देख सकते हैं, जिसका मतलब इटर्नल्स मूवी में सेलेस्टियल्स का रोल काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये मूवी भी काफी ग्रैंड होने वाली है मेरे ख्याल से, क्योंकि तभी काफी बड़े बड़े एक्टर्स को कास्ट किया गया है, जैसे एंजेलिना जॉली थीना का रोल प्ले करने वाली हैं, जो एक वेल एजुकेटेड वॉरियर और हाई बॉर्न है। सलमा हायक एजेक प्ले करेंगी, जो टीम लीडर है। कॉमिक्स में ये मेल कैरेक्टर है, लेकिन यहाँ मार्वल स्टूडियोज ने जेंडर स्वैप किया है। गेम ऑफ थ्रोन्स वाले रॉब स्टार्क यानी कि रिचर्ड मैडन भी यहाँ काफी बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। इकारिस, जिसके पास काफी कूल सुपर पावर्स हैं, जैसे कॉस्मिक एनर्जी मैनिपुलेशन और टेलीपोर्टेशन। कुमैल नैंजी यानी किंगो प्ले करेंगे, जो इस मूवी में एक बॉलीवुड स्टार होने वाला है। ब्रायन टी हेनरी फेस्टॉस प्ले करेंगे, डॉन ली गिलगामेश का रोल प्ले करेंगे, लिया मैक्यूज स्प्राइट का और लॉरेन रिडलॉफ मकारी का रोल प्ले करते हुए दिखेंगे। जेमा चैन सर्सी और बैरी क्यूगेन ड्यूक का रोल प्ले करेंगे। इन सब के अलावा अपने गेम ऑफ थ्रोन्स वाले जॉन स्नो यानी किट हैरिंगटन भी इस मूवी में ब्लैक नाइट बनने वाले हैं, जो कि एक स्वॉर्ड्समैन है और काफी कूल कैरेक्टर है। अब गेम ऑफ थ्रोन्स से याद आया gamesop.com, जिसका नोटिफिकेशन भी आ गया है। अभी जो टूर्नामेंट खेला था उसके पैसे भी आ गए हैं। वैसे इटर्नल्स मूवी की ऑफिशियल सिनॉप्सिस में बताया गया कि जो इटर्नल्स हजारों सालों से अर्थ पर सीक्रेटली रह रहे थे, एवेंजर्स एंडगेम के ट्रेजिक इवेंट्स के बाद उनको शेडो से बाहर आना पड़ेगा अपने सबसे पुराने एनमीज डेवियंट्स को हराने के लिए। अब इटर्नल्स और डेवियंट्स एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, जिस वजह से इनकी लड़ाई काफी पुराने टाइम से चल रहा है। दोनों को सेलेस्टियल्स ने क्रिएट किया था कॉमिक्स में, प्लस थैनोस भी कॉमिक्स में एक डेविएंट है, तो हो सकता है इसका भी कोई जिक्र देखने को मिले, और इसका भी एक्सप्लेनेशन मिले कि थैनोस के अटैक के टाइम इटर्नल्स एवेंजर्स की हेल्प के लिए बाहर क्यों नहीं आए। अब बात करते हैं ट्रेलर के रिलीज की, तो काफी सारे रूमर्स आ रहे हैं कि अगस्त में हमें इटर्नल्स का फर्स्ट लुक टीजर देखने को मिलेगा। काफी जगह 7 अगस्त की डेट भी बताई जा रही है, और साथ में कई सारी कॉन्सेप्ट आर्ट भी देखने को मिल रही है, जो सही है या सिर्फ रूमर ये तो नहीं पता, लेकिन मार्वल हमेशा से ऐसे ही अननोन सोर्सेस से कॉन्सेप्ट आर्ट्स प्रमोट कराता रहा है, चाहे एंड गेम में प्रोफेसर हल्क वर्जन हो या फिर आयरन मैन का मार्क 85 आर्मर, सब ऐसे ही अननोन सोर्सेस से लीक हुए थे। वैसे मार्वल अपनी मूवीज का फर्स्ट ट्रेलर 6 महीने पहले ही दे देता है मूवी रिलीज के, और इटर्नल्स की करंट रिलीज डेट नेक्स्ट ईयर फेब में है, जिस हिसाब से अगस्त में इसका ट्रेलर रिलीज तो बनता ही है। और डॉन ली के पोस्ट से ये भी क्लियर है कि मार्वल ने इटर्नल्स की प्रमोशन स्टार्ट कर दी है। अब आपको क्या लगता है कि इटर्नल्स का टीजर ट्रेलर कब तक आएगा, कमेंट्स में बताइए। अब आज इस अपडेट वीडियो में इतना ही। अब लाइक एंड शेयर करें इस वीडियो को, साथ में gamesop.com का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो उसे भी चेक कर लो। gamesop.com पर पैसे बट रहे हैं तो अपना हिस्सा लेना मत भूलना। अब और भी ऑसम सुपर हीरो वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें इस नीले बर्फीले चैनल को, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें। ब्लू आइस बियर को इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सेफ रहिए, खुश रहिए और ब्लू आइस बियर के वीडियोस देखते रहिए।